गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज मैं मॉर्निंग वाला जो ब्लॉग था वो मैं आप लोग के साथ पहले शेयर की हुई हूँ, तो जस्ट उसके बाद वाला ब्लॉग है जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, कपड़ा जो भी डाली थी दोस्तों सूख गया है, उन सबको लेकर आने के लिए। घर में शाम का पूजा वगैरह हो गया है, इसके बाद कपड़ा वगैरह फोल्ड करूंगी और खाना बनाऊंगी। आज दोस्तों 1 फरवरी का ही शाम का ये ब्लॉग है, कल है 2 फरवरी, हाँ कल है 2 फरवरी और कल है मेरा एक छोटा सा, मतलब छोटा ही सा बोल सकती हूँ, यहाँ का ना एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो उससे पहले की ये वाली ब्लॉग है, इसको मैं अपलोड कर दूंगी और पता नहीं फिर आगे कैसा और क्या ही शूट कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये है अपडेट। और मुझे पनीर बहुत पसंद है दोस्तों, पनीर मेरा फेवरेट है और मेरे को वेजिटेरियन हूँ मैं, ज़्यादा मेरे को वेज ही पसंद है, ठीक है। तो पता नहीं कल फिर ऑपरेशन होगा तो 2-3 दिन क्या ही रहेगा दर्द, कुछ मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैं ना आज ना पनीर खा ले रही, यानी आज बना रही हूँ, यानी फिर कल सुबह भी खाऊंगी, दोपहर में भी खाऊंगी, क्योंकि अगर कल सुबह बनाऊंगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही खा पाऊंगी पनीर, तो इस वजह से अभी जा रही हूँ। तो बस पनीर बनाऊंगी, जीरा राइस बनाऊंगी और हम लोग एक न्यू सामान भी किचन का लिए हैं, आगे आप लोग बने रहिए, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग एक लिए हैं नया इंडक्शन, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो किचन के आइटम में ये भी आया है और जग आया था प्रेस्टीज का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक इंडक्शन आया है, बहुत जरूरी था किचन के लिए, ये है वी गार्ड का, ये मैं आप लोग को फ्रंट कैमरे से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आज मैं इसका ओपनिंग भी कर दे रही हूँ, आए हुए 3-4 दिन हो गया है दोस्तों, बट लेकिन मैं वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो ये तब से रखा है और ये पैक हस्बैंड मेरे बोल रहे कब निकालोगे, कब निकालोगे, निकालूंगी मतलब मैं कवर से निकालूंगी तब तक इसमें कुछ बनेगा। मैं बोली मुझे वीडियो बनाना है, थोड़ा और रुक जाने इसलिए देर हुआ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं दिखा यहाँ पे मैं इंडक्शन फिट कर दी हूँ, ये है मेरा गैस चूल्हा और यहाँ पे जो स्पेस था इस स्पेस पे मैं इंडक्शन रख दी हूँ, ये यहाँ स्विच में लगा दी हूँ। और इंडक्शन नॉर्मल चीज है, सबके घर पे होता है, मेरे घर पे भी था लेकिन यहाँ पे नहीं था दोस्तों। तो ये जो लेकर आए हैं ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो इसके अंदर में कुछ ऐसे एक बुक मिला हुआ है अंदर, कार्टून के अंदर में, जिसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। आप लोग आराम से इसके अंदर अगर पढ़े कभी भी लाने के बाद तो पूरा चीज अच्छे से समझ में आ जाता है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से यूज की हूँ दोस्तों, तो मुझे अच्छे से मालूम है इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद साउंड आया, तो ये ऑन ऑफ का है और इसके ऊपर कुछ रखेंगे। तो ये देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, बॉईल का है, लीड का है, डोसा इडली का है, डोसा का है, चपाती का है, ठीक है। तो मेरे पास नॉन स्टिक का बर्तन भी है, ये मैं अभी यूज करूंगी, ठीक है। और टाइमर सेट लगा करके भी यूज कर सकते हैं, टाइमर पे सेट कर देते हैं ना तो ये बनने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है दोस्तों। ये राइस बनाने का है, फ्राई का है, अगर कोई चीज अपन फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में, इसका बर्तन अलग आता है। तो मैं सारे बर्तन नॉन स्टिक वाला, ये सॉरी नॉन स्टिक बोलती हूँ, इंडक्शन वाला जो बर्तन आता है स्पेशली दोस्तों, वो मैं ली हुई हूँ। ये देखिए जब मैं पहले बर्तन आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, तो ये देखिए इंडक्शन का ही कढ़ाई है और इंडक्शन का मेरे पास कुकर भी है और ये भी बैठ जाता है। कुछ चीजें हैं जो इंडक्शन का ही बर्तन है, बाकी इसको अपन गैस पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका ओपनिंग कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इंडक्शन का ना पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन दोस्तों एक चूल्हा है और घर में एक नया सामान, नया चूल्हा आया है। मुझे हर एक छोटे सामान की बहुत ज्यादा खुशी होती है दोस्तों, तो स्वागत करना तो बनता है ना, तो बस इसी बहाने भगवान जी को याद कर लिए और अच्छे से इंडक्शन का भी पूजा कर दिए। पूजा करने के बाद दोस्तों दिया अगरबत्ती जो भी है वो मैं मंदिर में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स इंडक्शन का अच्छे से पूजा कर दी, इसके बाद भगवान जी के पास यहाँ पे देखिए दिया वगैरह रख दी हूँ। अब चलते हैं खाना बनाने, अब जो भी खाना बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे से कढ़ाई निकाल ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ दोस्तों, इंडक्शन नया है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है ना, नया बर्तन हो तो भी मीठा बनाना चाहिए दोस्तों, और नया चूल्हा है तो भी सबसे पहले शुरुआत मीठे से करना चाहिए। बनाना तो गाजर का हलवा था बट अभी गाजर लगा के बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कढ़ाई में मैं घी ऐड की थी सबसे पहले, घी ऐड करने के बाद 1 कलछुल सूजी, 1/2 कलछुल दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ बेसन, क्योंकि दोनों का मिक्स करके बनाओ हलवा तो बहुत टेस्टी बनता है। इन सबको हल्का सा मैं भूंज दे रही हूँ, नॉर्मल फ्लेम पे रखी हूँ। आगे मैं और अच्छे से डीपली शेयर कर दूंगी, अगर किसी को जानकारी चाहिए इंडक्शन से रिलेटेड
तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं काजू और ना किशमिश ऐड की हूँ, बस थोड़ा सा ही कट करके ड्राई फ्रूट्स ऐड की हूँ। इसके बाद पानी ऐड कर दी हूँ दोस्तों, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सूजी हल्का सा फूल जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी दोस्तों शक्कर, टेस्ट अकॉर्डिंग डालूंगी। शक्कर मेरा थोड़ा सा मोटा वाला है तो थोड़ा सा नॉर्मल ही डालूंगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं ऐड कर दी हूँ फूड कलर, यानी कि जलेबी रंग। फूड कलर अच्छा वाला है दोस्तों, वो मैं डाली हूँ। हल्का सा कलर आ जाता है तो देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है और खाने में तो अपने आप टेस्ट बढ़ जाता है। जो चीज़ हम खाते हैं दोस्तों, अगर वो देखने में खूबसूरत होता है तो खाने में ऑटोमेटिक टेस्ट तो मिलता ही है, ऐसा मैं फील करती हूँ। हलवा बन गया है दोस्तों, आप लोग से बात करते करते, तो आ जाइए और आप सब भी मुंह मीठा कर लीजिए, एक एक स्पून आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऊपर से दोस्तों मैं 2 चम्मच और घी डाली हूँ, क्योंकि ना लास्ट में हलवा बनने के बाद जब घी डालते हैं ना तो बहुत अच्छा ऊपर से शाइनिंग टेक्सचर आता है और खुशबू भी और बरकरार रहती है, देखने में अच्छा भी लगता है और खाने में भी दोस्तों। सो हलवा बन गया, यहाँ पे मैं निकाल के हस्बैंड को ही दे रही हूँ दोस्तों, घर पर हैं वो, तो एक बाउल उनको ही निकाल के दे दे रही हूँ गर्मा गर्म, मैं भी बाद में खाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जा रही हूँ लहसुन छीलने, मसाला वगैरह रेडी कर रही हूँ और मैं एकदम देसी स्टाइल का नॉर्मल जो पनीर का सब्जी होता है मैं वो बना रही हूँ, क्रीमी फ्लेवर वाला नहीं बना रही। सबसे पहले बता दूँ, क्योंकि मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो जो नहीं होता तो थोड़ा सा राइस के साथ ऐसे मिक्स करके खाएं तो बहुत ज़्यादा मुँह को ना बांधता नहीं अपन जो देसी स्टाइल का बनाते हैं। तो मैं जैसा बनाती हूँ कभी कभी घर में, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। पनीर का सब्जी ग्रेवी बनाने के लिए ले ली हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज है, कुछ ये देखिए लहसुन है दोस्तों 2 टीस्पून बोल सकते हैं, और 1 टीस्पून अदरक ले लिया दोस्तों, 1 इंच अदरक है, इसको भी हल्का सा वॉश करके इन सबको ले ली हूँ, ये भी वॉश करके रखी हूँ। एक बड़े साइज का टमाटर है, ये मैं मसाले का पेस्ट बनाऊंगी दोस्तों, और इन्हीं के साथ में मैं ये थोड़े से गर्म मसाला पीसूंगी। गर्म मसाले में है दोस्तों थोड़ा सा ली हूँ मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है जीरा, 3 हरी इलायची है, थोड़ा सा काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, कर्ण फूल के 2 फूल ले ली हूँ दोस्तों, और ये एक मैं छोटी वाली बड़ी इलायची ले ली हूँ, ठीक है दोस्तों। ज्यादा हाई फ्लेवर नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे गर्म मसाला का, बट थोड़ा सा जो ये पीस के जो अपन डालते हैं ना, इससे सब्जी का जो फ्लेवर है काफी ज्यादा इन्हांस होता है दोस्तों, और ये मैं फ्राई करते समय छौंक में डालूंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, सबसे पहले मसाला का पेस्ट रेडी करते हैं, इसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कढ़ाई इंडक्शन पे बैठा दी हूँ और इसके बाद मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद पनीर ऐड कर दी हूँ, पनीर को हल्का सा बस सेलो फ्राई करूंगी दोस्तों। इसके बाद ये देखिए बाउल में ठंडा पानी रखी हूँ, ठंडे पानी में पनीर को डाल दूंगी। पनीर को तुरंत ठंडे पानी में डालने से दोस्तों पनीर ना कड़क नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है, और पनीर को आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी यूज कर सकते हैं, बट मैं हल्का सा फ्राई की हूँ क्योंकि ये देसी स्टाइल वाला मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्च्यून का अगेन ऐड कर रही हूँ दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, इसके बाद 1 टीस्पून जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 बड़े साइज का दोस्तों प्याज ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा प्याज को हल्का फ्राई करी हूँ, बिल्कुल 30% दोस्तों। इसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर अपने सब्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले ऐड करके और तुरंत मिक्स करके दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दी हूँ जो पेस्ट तैयार की थी वो। ज्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो पाउडर मसाला क्या होता है ना, तेल में जल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे एवरेस्ट का मीट मसाला ऐड की हूँ दोस्तों, और इसके बाद कस्तूरी मेथी क्रश करके अच्छे से डाल दूंगी। कस्तूरी मेथी डालने से पनीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। किचन किंग मसाला भी डालती हूँ दोस्तों, लेकिन किचन किंग मसाला ना यहाँ सामने जो मैं रखती हूँ ड्रॉज में खत्म हो गया है, ऊपर रखी हूँ राशन में एक्स्ट्रा, तो वो निकालूंगी, फिर उसके बाद किचन किंग मसाला भी ऐड कर दूंगी। लीड लगा के बीच में ढकने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं मटर ऐड करी और अगेन से लीड लगाई, और ऐसे ही मसाले के साथ में अपन मटर को भी अच्छे से भूंज देंगे। भूंज गया है, भूनने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पनीर को ऐड कर दी हूँ। पनीर को ऐड करने के बाद अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर दूंगी और थोड़ा देर बाद आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा कलर आएगा और ये एकदम देसी स्टाइल है, इसमें कोई भी बटर या क्रीम नहीं है। हाँ मसाले में मैं थोड़ा सा फल्ली भी पीसी थी, आप लोग को दिखाई नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 8-10 दाना, एकदम हल्का सा फ्लेवर आने के लिए। तो सब्जी मेरा बॉईल हो रहा है दोस्तों, तब तक जितने भी बर्तन निकले ना खाना बनाने समय उन सबको मैं वॉश कर ले रही हूँ। हलवा बनाई वो हो गया, सब्जी वगैरह कट करी वो हो गया, तो थोड़े बहुत ऐसे निकलते रहते हैं बर्तन वगैरह, तो मैं साथ साथ में वॉश करते रहती हूँ ताकि ना क्लीन लगे, सिंक भरा हुआ ना लगे, नहीं तो काम लगता है कि बहुत हैवी हो गया है। तो जो मैं करती हूँ वो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड आप लोग के साथ अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। आई रियली होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा,
अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट किया कीजिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच किया कीजिए। हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। सब्जी मेरा बन चुका है दोस्तों, यहाँ पे मैं ना राइस बना ले रही हूँ पनीर के साथ। ये वाली सब्जी को पनीर के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, सॉरी पनीर के साथ बोल रही हूँ, चावल के साथ खाओ ना तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। और बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपके पास जो घर में अवेलेबल है बस उसी से आपको इस सब्जी को बनाना है, अलग से कोई काजू वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मस्टर्ड ऑयल सबसे मेन पॉइंट, नहीं तो अक्सर कर रिफाइन तेल और बटर में ही ये सब्जी बनती है, बट एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो मैं तो ऐसे बनाई और आज आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। यहाँ पे कुकर बैठाने के बाद दोस्तों इसमें रिफाइन ऑयल ऐड करी हूँ, उसके बाद 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 हरी मिर्च, इसके बाद प्याज कट करके डाल दी हूँ। हरी मिर्च थोड़ी सूख गई है दोस्तों, बट वही डाल दी हूँ क्योंकि हरी मिर्च का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बनने के बाद। चावल को अच्छे से भूंज देंगे, थोड़ा सा चावल फ्राई करके बनाओ ना दोस्तों, जीरा राइस या ऐसा वाला भी पुलाव तो क्या होता है, बहुत अच्छा दानेदार अलग अलग चावल बनता है। तो थोड़ा देर चावल को मैं ऐसे ही फ्राई कर दे रही हूँ। इसके बाद जितना मुझे जरूरत है, 1 ग्लास चावल बना रही हूँ तो 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दी हूँ, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं घी भी ऐड करी हूँ। इसके बाद कुकर का लीड लगा दी हूँ 1 सीटी आने के लिए। इंडक्शन पे बना रही हूँ तो इंडक्शन पे राइस कुक करने का टाइम है दोस्तों, मतलब जो वॉट यूज होता है ना वो है 1000, तो 1000 पे लगा के रख दी हूँ, 1 सीटी आएगा और बन जाएगा। लगे हाथ यहाँ पे दोस्तों सब्जी की टोकनी निकाल कर आलू और प्याज भी शिफ्ट करूंगी, बट पहले से ना 1 केजी आलू है नीचे तो आलू अभी नहीं रखूंगी, आलू झोले में ही रहेगा, बस खाली प्याज रखकर ये देखिए नीचे शिफ्ट कर दी हूँ। जब आलू पुराना खत्म हो जाएगा तब झोले का आलू उसमें रखूंगी और पेपर भी बदलूंगी, इस वजह से इस आलू को नहीं रखी हूँ, नहीं तो फिर नया आलू यूज हो जाएगा और पुराना आलू नीचे दब जाएगा ज्यादा था इस वजह से। ये देखिए दोस्तों मेरा पनीर का सब्जी बन चुका है और आप लोग देख सकते हैं कलर वगैरह, टेस्ट बहुत अच्छा बना था दोस्तों। मैं जब भी मेहनत करके ऐसे मतलब मन से दिल से खाना बनाती हूँ और कोई खा के तारीफ करता है तो बड़ी खुशी मिलती है, तो हस्बैंड मेरे तारीफ किए हैं दोस्तों, उनको पसंद आया। ये प्लेट मैं उन्हीं को निकाल के दी थी तो बोले कि बहुत अच्छा बना है, तो वो मैं आप लोग के साथ भी बता दे रही हूँ। हस्बैंड मेरे खा चुके हैं दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। ये जो मैं छत से कपड़ा ला करके रखी थी ना शाम को ही, ये सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा और नेक्स्ट डे भी शुरू हो जाएगा, तो इन सारे कपड़े को मैं फटाफट फोल्ड कर लूंगी, क्योंकि सोचो ना कि हाँ बाद में करेंगे, तब तक ना ऐसे ही बेड पे भरा रहता है और देखने में ना बड़ा ही खराब लगता है। तो मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, रात के अगर 12 भी बजेंगे ना और कपड़ा ढेर सारा ऐसे रखा है तो मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं फटाफट सबसे पहले फोल्ड करती हूँ। एक बार फोल्ड कर दो ना तो फिर वार्डरोब में या बाजू वाला जो बेडरूम है उसमें भी जाने में ना देर नहीं लगता, यानी ऑर्गेनाइज करने में देर नहीं लगता अगर कपड़ा फोल्ड रहता है तो। तो प्रेस का कपड़ा, टॉवल वगैरह, फिर अंडरगारमेंट्स, फिर टी शर्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ, फिर लगेगा तो अभी जमाऊंगी नहीं तो नेक्स्ट डे जमाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरे सारे कपड़े वगैरह देखिए फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके अब बस खाली इनको रैक पर मैं जमाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ में। वैसे तो कल वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें यानी कि 2 फेब को मेरे यहाँ पे एक ऑपरेशन है, तो देखती हूँ उसके बाद जो हो पाएगा वो मैं क्लिप शूट करी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो बस इतना ही शेयर करती हूँ आज के लिए, अगर थोड़ा भी पसंद आए दोस्तों तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।